नहीं खांदे नहीं पकांदे ने नहीं खांदे नहीं पकांदे ने देख इस दर देख इस जग दे विच आवन दा देख इस जग पढ़न पढ़ावन दा वल सिख ले रब नु वल सिख ले रब नु पावन दा तो वल माने तरीका नारद जी ने व्यास जी को कहा व्यास जी तुमने सारे पुराण लिख दिए तुमने सारे वेद लिख दिए तुमने सारे सारे शास्त्र लिख दिए ब्रह्म सूत्र वेदांत लिख दिया लेकिन ये भगवान को प्रसन्न करने का तुम्हें कोई वल नहीं आया तरीका नहीं आया समझदारी नहीं आई ऐसे कोई होम साइंस से लड़की ने पीएचडी कर लिया और वो उन्होंने घर वालों को ज़रूरत थी कि कोई बहू ऐसी मिल जाए जो बढ़िया भोजन बनाए तो उसने कहा कि होम साइंस में पीएचडी इससे बढ़िया कौन सी होगी लेकिन घर में तो नौकर भोजन बनाते थे इंडिया में पीएचडी जरूर कर लिया लेकिन भोजन एक दिन भी उसने बना के देखा नहीं कभी आज तक बनाने वाले नौकर हैं काहे को बना लो जब बनाओगे नहीं तो कैसे पीएचडी करने से क्या होगा तो माता जी सत्संग में चली गई पति को दोनों पति पत्नी तो वो बोले कि पत्नी को थोड़ा लगा कि वो बहू नई नई है अभी रोटी अभी पहली बार आज भोजन बनाना था बोले चलो सत्संग नहीं छोड़ना चलो आज संडे कथा में चलो लेकिन वो रोटी बोले रोटी वो बना देगी सब खा ले लेकिन उसको पूछ तो लें माँ को बेचारी को थोड़ा सा लगा कि बहू पता नहीं बनाएगी पहली बेटी रोटी बना लेगी अब कैसे कहे तो ससुर जी कहते हैं उसकी पतिदेव कहते हैं कि अरे वो तो पता है तुमको हमने लड़की वो एमएससी पीएचडी ली है कम से कम होम साइंस पीएचडी के उस रोटी नहीं बनाएगी तो और क्या बनाएगी उसको सब आता है बोली बेटी फिर भी माँ ने कहा बेटी क्या बनाती है अच्छा तो एक काम कर मैंने राजमा बना दिया तो चावल बना लेगी चावल तो बना ही लेगी सोचा हाँ मम्मी अब क्या बोले बेचारी ससुर ने बोलने भी नहीं दिया तो चल वो एमएससी पीएचडी करके आई और चावल उसने बेचारी लेकिन बड़ी मुश्किल चावल चूल्हे पर रख करके और सोचने लगी कैसे बनेंगे चावल अब कभी बनाए हो तो बनावे एमएससी पीएचडी करने से थोड़ी चावल बनते हैं लेकिन पीएचडी उसमें बहुत आगे चले गए घर में तो उसमें जो होम साइंस में तो बहुत कुछ होता है सारे घर कैसे बनाया जाता है घर को कैसे रखा जाता है सब वही सब चीज़ें लेकिन पहली चीज़ तो सबसे पहला तो भोजन ही कैसे बनाया जाता है लेकिन वो उसकी एक सहेली थी जब वो विदा हो रही थी तो उसने ये कहा कि देखो मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट दे रही हूँ तो खोलना मत और कब खोलना जब तुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए तब मुझे याद करना तब खोलना उसने कहा ठीक है वो जानती थी सहेली उसकी फ्रेंड जो थी सरप्राइज गिफ्ट है और तुझे मेरी कसम है मत खोलना उस दिन खोलना जब तेरी कोई समस्या आवे प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसे मालूम था कि प्रॉब्लम क्या आएगी इसको और उसको आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई आज चावल बनाना पड़ गया अब उसको याद आई सहेली कि मेरी फ्रेंड मेरी बड़ी हेल्प करती थी उसने एक गिफ्ट दी थी वो झट से दौड़ के गई और जाकर उसमें सूटकेस खोला निकाली वो गिफ्ट खोल के फट से खोला उसमें देखा सुषमा तेरी जो गिफ्ट आज काम आनी चाहिए आज मुझे बड़ी प्रॉब्लम है वो झट से खोली गिफ्ट उसमें बहुत बढ़िया खुश हो गई एक निकली बहुत बढ़िया उसने बहुत सुंदर गोल्डन पेन से और बड़ी बढ़िया एक गोल्डन स्याही से बहुत सुंदर एक कापी बनाई थी भोजन बनाने की विधि और उसमें पराठा कैसे बनाया जाता है हलवा कैसे बनाया जाता है कढ़ी कैसे बनाई जाती है खीर कैसे बनाई जाती है इसको तो चावल बनाने थे तो ढूंढती रही ढूंढते ढूंढते चावल बनाने की बड़ी खुश हो गई बोले वाह आज मुसीबत से थैंक यू सुषमा आज तुमने मुझे बचा लिया बड़ी प्रॉब्लम है चावल कैसे बनेगा मेरी मम्मी तो बोल के गई है चावल बनाना काफ़ी पढ़ने लगी उसमें लिखा हुआ था कि वो भगोने में चावल को पहले धो के चावल को रख देना पानी रख दो पानी उबलने लगे तो उसमें चावल धो करके डाल दो फिर जब चावल तो उसको चावल को देख लो गल गया है तो ठीक है उतार लो फिर उसको परोसने की भी विधि लिखी है कैसे आसन बिछाओ फिर परोस दो फिर अगर बिजली नहीं है तो पंखा गर्मी है तो पंखा भी जल दो फिर पानी रख दो सब चीज़ लिखी लेकिन वो तो फंस पहले ही अटक गई तो ये वो जो इसमें चावल कैसे डालना अब तब तक वो सत्संग भी खत्म हो गया वो दोनों पति पत्नी लौट के भी आ गए घर में बच्चे शोर मचा रहे हैं भोजन 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 वो माता जी आई बोली अरे बहू क्या बात है भोजन नहीं बना तो देखा तो कापी लेकर के पड़ रही है और चूल्हे पर पानी रखा है और पानी गर्म हो रहा है वो सास ने कहा क्या हुआ बोले मम्मी बोले क्या बात है चावल बोले हाँ चावल तो बनाने लेकिन बनाए बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा कि चावल धोने कैसे हैं साबुन से धोएं कि सर्फ से धोएं
क्योंकि कपड़े धोने को साबुन प्रयोग करते हैं, तो उसने कहा रे साबुन ये चावल को सर्फ से धोए जाते हैं, साबुन से धोए जाते हैं। बोले धोना है ना इनको, बोले धोना है इसको, पानी में निकाल के डालना है, बोले ऐसे धुल जाएंगे, बोले साफ हो जाएंगे, बोले इसमें क्या साफ होना है। देखो ये चीज एक जरा सा खेल है जो समझ में आता नहीं। स्पिरिचुअलिटी के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, और इसमें प्रमाण है नारद जी। नारद जी ने व्यास जी का कान पकड़ा, और नारद जी ने जो शिक्षा दी है देखो, वो जो हमने जो भक्ति में डुबो दिया नारद जी ने, बोले एक बार को भूल जाओ तुमने कुछ पढ़ा है, बिल्कुल भूल जाओ। कोई MBA करके अगर उसको जब मैनेजर बनाते हैं तो थोड़ी किताब लेके बैठता है कि मैंने MBA किया है तो सारी किताब लेकर, अगर वो किताब ही याद करता रहेगा तो मैनेजर का मैनेजमेंट कैसे करेगा, मैनेज नहीं कर सकता। ये हमारे यहाँ IPS ऑफिसर होते हैं, IPS की तैयारी जो करते हैं उसको थोड़ी उनको रटना पड़ता है, वो फिर वहाँ देखना पड़ता है सिचुएशन कैसी है, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। तो इसी तरह से कहाँ भगवान को कब कैसे प्रसन्न किया जाएगा। और देखो इसमें समझदारी की बात, हमारे सुखदेव जी महाराज की कथा सुनाई सूत जी ने कि देखो सुखदेव जी 12 साल तक माँ के पेट में रहे, 12 साल। और जब माँ जमाई लेती है ऐसे कहती है ना जमाई, तो उसमें गणानंत्वा गणपति, अरे अरे बोले वेद मंत्र कौन पढ़ रहा है, उसका मुंह बंद हो गया तो वेद मंत्र बंद हो गया। बोले अब पत्नी देवी ये वेद मंत्र कौन पढ़ रहा था, बड़ी सुंदर आवाज आ रही थी। बोले पता नहीं यहाँ तो कोई है नहीं। और फिर उसको मुंह खोला उसने, जब जैसे मुंह खोलती है तो फिर अंदर से स्वस्ति पंथा मानुचारे फिर आवाज आई। व्यास जी बोले कोई पढ़ता तो है, आवाज कहाँ से आती है। जब देखा तो बोले तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो वेद पढ़ रहा है अंदर से, पहले जन्म के वेद उसको याद थे और 12 साल के हो गए। लेकिन तब व्यास जी बोले बेटा क्यों माँ को कष्ट दे रहे हो, एक 9 महीने में बच्चा बाहर आ जाता है, तुम 12 साल तक, ये पहला एक बच्चा ऐसा दुनिया में कि जो 12 साल माँ के पेट में रहा। बोले निकलो, बोले मैं नहीं निकलूँगा। व्यास जी ने कहा क्यों, बोले मैं बार बार निकलता हूँ, ये संसार की माया काम क्रोध लोभ मोह सब मुझे घेर लेते हैं, मैं निकलूँगा फिर वही आ जाएंगे और फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मेरा जन्म बर्बाद हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज बोलते, तो व्यास जी जो विष्णु के अवतार है बोले नहीं बेटा तुमको बाहर निकलना होगा, माँ के घर में कब तक रहोगे, उस नरक में गंदगी में, माँ के पेट में तो कोई अच्छी जगह थोड़ी है रहने की, बाहर निकलो। तो बोले पिताजी ऐसे नहीं निकलो। तो कैसे निकलोगे, बोले मुझे कोई विश्वास दिलावे कि मुझे काम क्रोध लोभ मोह अपने में नहीं फंसाएंगे तो मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो उसने व्यास जी ने विष्णु भगवान को बुलाया, प्रभु आओ मेरा बच्चा बाहर नहीं निकलता। विष्णु भगवान आए तो विष्णु भगवान ने सुखदेव जी को कहा कि सुखदेव तुम बाहर निकलो और तुम्हें हमारी माया नहीं सताएगी। उसमें लिखा है ज्ञानी नाम, हम देवी उसमें पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती में, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रियच्छति। ये माया का ऐसा प्रभाव है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नचा देती है वो महामाया, और फिर भूल जाता है। सुखदेव जी ने तो उसमें लिखा दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्तिते। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये माया से कैसे छूटेंगे हम। बोले देखो ये दैवी माया है, दैवी माया दिव्य माया है, इसको संसारी व्यक्ति इसको पार नहीं पा सकते, दैवी देवता लोग भी पार नहीं पा सकते, देवताओं को भी नचा देती है। बोले फिर बोले इसको तो माया को अगर जीतना है तो एक ही तरीका है, क्या है, मायापति की शरण लेना। मामेव ये प्रपद्यन्ते जो मेरी शरण हो जाते हैं। अब देखो व्यास जी में और सुखदेव जी में क्या अंतर है, व्यास जी में और नारद जी में क्या अंतर है। व्यास जी शास्त्र पढ़ते रहते हैं और सुखदेव नारद जी हमेशा 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहते हैं, नारायण नारायण प्रसिद्ध है। नारद जी को पूछ नारद क्या करते, बोले नारायण नारायण नारायण, एक मिनट नहीं होगा नारायण नारायण,
किसी राक्षस के पास भी जाएंगे, बोले नारायण नारायण कैसे हो, फिर नारायण एक मिनट में 20 बार नारायण बोलना ही बोलना है। भगवान के नाम के बिना रह नहीं सकते हम लोग कहते। तो देखो मैंने आपको जो बात की थी वो कह करके जल्दी से विश्राम दे दूं कि भक्ति के 9 प्रकार हैं। 9 प्रकार के श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन। 9 प्रकार हैं, 9 भक्तियों के 9 आचार्य भी हैं, 9 लोग ऐसे हैं जो हमारे आइडल हैं, जो हमारे आदर्श हैं। अगर हमें 9 भक्तियों में से कोई भक्ति एक कोई करनी है तो वो आइडल हम देख लें। पहली भक्ति के आइडल कौन है, आचार्य कौन है? श्रवण भक्ति, सुनना। आप कथा सुनो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं, सबसे पहली भक्ति है सुनना। कोई बढ़िया बात हो सुनो, वेद शास्त्र पुराण सुनो, गुरुवाणी सुनो, सुनना सबसे पहली भक्ति है। बोले इसके आइडल कौन है, आचार्य कौन है, ऐसा सुनो कि वो सुनना सफल हो। कौन है, बोले वो सुनने वाले, सुनने वाले हैं परीक्षित राजा। 7 दिन सुना था और सुनना दुनिया में नाम हो गया, उससे बढ़िया सुनने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। सुखदेव जी कह रहे हैं कथा समझ में आ रही है, अरे 4 दिन हो गए, 4 दिन तक हिला नहीं। हम लोग कथा सुनते हैं तो कभी ऐसे कर लेते, कभी ऐसे हो जाते, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे, और जब कथा में थोड़ी बड़ी तो कथा महात्मा बोर करता है कथा में, तो फिर ऐसे हो जाते, फिर जमाई लेने लगते। लेकिन वो कहते कथा कैसे सुनी जाती है कि जैसे कोई चोर और उसको कोई बतावे कि वहाँ 100 क्विंटल सोना गड़ा हुआ है, और चोर को पता चले कि कहाँ गड़ा हुआ है तो कितना सावधानी से सुनता है। बोले वैसे कथा सुननी पड़ती है जैसे किसी चोर को, किसी लोभी को सोना गड़ा हुआ है और वो कहाँ गड़ा है। तो सुखदेव जी को चौथे दिन बोले परीक्षित को कि तुम्हें भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थक गए होगे, अरे थोड़ा जाओ घूम फिर लो। बोले नहीं मारा। कारण क्या था, 7 दिन में मर जाऊंगा ये पता था, मैं मरने वाला हूं, मौत सामने खड़ी है। देखो अब उन मौत सामने खड़ी हो और मैं कथा सुनते सुनते मैं भोजन करने चला जाऊं, महाराज सुना दो मुझे, जल्दी सुना दो। तो ऐसी कथा सुनी तो श्रवण भक्ति के आचार्य सुखदेव परीक्षित, कीर्तन भक्ति दूसरी भक्ति के आचार्य सुखदेव कथा सुनाने वाले। उन्होंने ऐसे तो हम लोग कहते हैं कथा हम सुना देंगे, बोले हाँ। बोले महाराज आप बहुत बढ़िया कथा सुनाते हो। बोले क्या, ऐसी कथा रामायण की सुनाते थे, भरत जी का चरित्र, राम जी का, राम वन में जा रहे हैं, ऐसी बढ़िया कथा सुनावे एक महात्मा कि बाबा जी आप कथा तो बहुत बढ़िया सुनाते हो, जब आप कथा सुनाते हो तो लोग रोने लगते हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसी कथा सुनाते, लेकिन आप नहीं रोते। पंडित जी बोले हाँ हम भी रोएंगे। बोले कब, कि जब कथा सुनाएंगे और कथा सुना के कोई दक्षिणा नहीं देगा तो हम भी रोएंगे। क्योंकि कथा हम सुनाते हैं लेकिन किस लिए, रुपया के लिए। सुखदेव जी ने कोई कथा रुपया के लिए नहीं सुनाई। कथा सुनाना भी भगवान की भक्ति है, कीर्तन भक्ति है। तीसरी है स्मरण भक्ति, उसके आचार्य हैं प्रहलाद। स्मरण माने याद करना। माता जी मैं पैसे के लिए नहीं बोलता हूँ, आप कोई चिंता नहीं आप सुने। तो श्रवण कीर्तन स्मरण, स्मरण माने भगवान को याद करना, स्मरण माने संभालना, और कीर्तन स्मरण उसके प्रहलाद, पाद सेवन लक्ष्मी, और अर्चन पृथु महाराज, और अब वंदन अक्रूर महाराज, और 7वीं भक्ति दास्य कौन है, हनुमान जी, और 8वीं भक्ति सखा सख्य भक्ति कौन है, अर्जुन, और 9वीं भक्ति आत्मनिवेदन कौन है, बलि राजा बलि। देखो तो हमारे महात्मा कहते हैं गुनगुनाते हुए कथा को विश्राम